अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार डिश टीवी की एक और न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको डिश टीवी 95, 93 से 108 एयरटेल जो है ना सेट करके दिखाऊंगा। किस तरह से आपने इसको सेट करना है, बिल्कुल अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी इसको इजीली सेट कर सकेगा। क्या आपने पोजीशन रखनी है, एलएनबी कहां पे करनी है, कितना डिश को घुमाना है, कितना अप डाउन करना है, सारा कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों, इस सैटेलाइट पर तकरीबन 700 से प्लस चैनल चलते हैं एयरटेल पर, आपको चैनल लिस्ट भी हल्की सी दिखाएँगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी जाके फॉलो कर लें। अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक का भी और व्हाट्सएप का भी। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने 95 डिश टीवी की किस तरह से एलएनबी पोजीशन रखी है। ठीक है, ये 93 और 95 मेरे पास बिल्कुल ओके चल रही है, और आपको सिग्नल भी फ़िलहाल चेक करवाते हैं और बाद में एलएनबी पोजीशन भी बताएंगे कि आपने एयरटेल की कैसी रखनी है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरे पास बिग मैजिक के तकरीबन 99% जो है ना सिग्नल आ रहे हैं, और पीछे वाली साइड से डिश भी एक दफ़ा देख लें। और उसके बाद एयरटेल की आपने कौन सी टीपी लगानी है वो आपको मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, अगर आपने इसको सेट करना है तो बिग मैजिक वाली टीपी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये एयरटेल जो है काफ़ी, इसके जो है ना सैटेलाइट पर चैनल चलते हैं, आप इसको आसानी से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वाली आपने टीपी लगानी है। ये देखें, फ़िलहाल इसके सिग्नल आ रहे हैं, पर ये बिल्कुल भी जो है ना हमारी सैटेलाइट जो 108 है ना सेट नहीं है। अगर आपके पास भी सिग्नल आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहे तो आपने डिश को सेट ज़रूर करना है, क्योंकि अभी हमारी जो डिश है ना 95 पर है। ठीक है, जिसको NSS 6 DD फ्री डिश भी बोलते हैं। तो ये वाली अगर आपने फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल तकरीबन 90 कर लिए तो आपके पास ये फुल सैटेलाइट जो है ना स्कैन हो जाएगी। तो अभी सबसे पहले एलएनबी पोजीशन आपको बताते हैं कि आपने कहाँ पे करनी है इसकी। ठीक है, तो मैं इसको एक दफ़ा घुमा लेता हूँ और बाद में आपको बताता हूँ। ये तकरीबन आपने यहाँ पे इसको जो है ना सेट कर लेना है। मैं इसको एक दफ़ा नीचे वाली साइड कर दूँ। यहाँ पे तकरीबन आपने इसको रख लेना है। ठीक है, इतना घुमा लेना है ताकि हमारी जो 108 है ना वो सेट हो सके, क्योंकि इसकी सही लोकेशन यही है एलएनबी, अगर आपने 108 चलानी है। तो अभी डिश के पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपने डिश को कितना घुमाना है और अप डाउन करना है। दोस्तों, ये देख सकते हैं तकरीबन 2 इंच आपने डिश को लेफ़्ट साइड की तरफ जो है ना मूव करना है, इस वाली साइड की तरफ, जिस तरफ हमारा जो है ना 128 लाओ सेट चलता है। तो सबसे पहले हमने डिश को अप करना है और उसके बाद जो है ना हमने डिश को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। फाइंडर आपके सामने है, जब हमारे पास सिग्नल इसके आ जाएंगे आपको नज़र आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसका जो है ना नट लूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा अप कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपने इसको कितना अप करना है। ये देखें, ये मैंने निशान लगाया है ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ सके। मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा सा टाइट कर लूं। ये देखें, ये अभी मैंने इसको सेट कर दिया। ये देखें, ये तकरीबन हमारी जो है ना 2 इंच तक जो है ना डिश ऊपर होगी, आगे वाली साइड से हमारी डिश डाउन होगी और पीछे वाली साइड से हमारी डिश अप होगी। और उसके बाद डिश को मूव करते हैं, जब हमारे पास इसके सिग्नल आ जाएंगे आपको भी नज़र आ जाएगा। और आपने लेफ़्ट साइड की तरफ जब आपने डिश को करना है, तकरीबन 2 इंच पर भी आपको सैटेलाइट ये मिल सकती है, 1.5 इंच पर भी मिल सकती है। तो मैं इसको मूव करता हूँ, आपने इसको घुमाना है, डिश को उठा के नहीं रखना जिस तरह मैं अभी घुमा रहा हूँ। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है ना मूव करना है।
ठीक है, ये छोटी डिश है, ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल बनती है। बड़ी डिश हो ना तो फिर आसानी से जो है ना ये सैटेलाइट हमें मिल जाती है। ये देखें, जैसे ही हमारी डिश जो है ना पहुंची 108 पर और हमारे पास इसके सिग्नल देखें तकरीबन 99% है। ये 2 फीट की डिश है, ठीक है कि नहीं, ये नहीं कि कोई मतलब ब्रांडेड, ये आम मैंने मार्केट से परचेज़ की थी, तकरीबन काफ़ी अच्छे जो है ना सिग्नल निकाल देती है। और इसको आपने जितना भी आपको मैंने बता दिया आपने इतना करके देख लेना है, ठीक है, और उतना ही आपने जो है ना इसको लेफ़्ट साइड की तरफ करना है जितना मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद आपको हल्की सी चैनल लिस्ट भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये 4 आवर सर्वर पर बिल्कुल ओके वर्क कर रही है सैटेलाइट, काफ़ी अच्छी सैटेलाइट है। आपको मैं एक दफ़ा इसके चैनल दिखा देता हूँ, कितने इसके चैनल जो है ना फ़िलहाल मेरे पास चल रहे हैं, ये 718 चैनल चल रहे हैं, सब के स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, कोई वीक सिग्नल नहीं है इसके। ये देखें जो दोस्तों, जो मैंने आपको टीपी बताई है, अगर आप उस टीपी पर सिग्नल रिसीव कर लेते हैं तो ये एयरटेल जो है ना आपके पास फुल स्कैन होगी, जब आपने ब्लाइंड स्कैन इसको करना है, ठीक है कि नहीं। इंशाल्लाह ताला दोस्तों आपको हर चीज़ की समझ आ चुकी होगी, मैंने कितना आपको डिश को बताया आपने अप डाउन करना है और कितना आपने लेफ़्ट साइड की तरफ करना है, हर चीज़ की आपको समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे इस चैनल स्टार्ट हिस्ट्री पर न्यू हैं तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, और अगर आप मेरा फेसबुक पेज जो है ना फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डायरेक्टली पेज पर जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक या व्हाट्सएप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।